गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज वाइगोत्स्की पार्ट टू के बारे में आपको जानकारी हासिल कराऊंगा। फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आइए एक बार पार्ट वन को हम रिवाइज कर लें, जिससे पार्ट टू क्लियर हो जाए। पार्ट वन में वाइगोत्स्की एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे। यह प्रश्न फ्रेंड्स कई टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, वाइगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? याद रखें, रशियन मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो सामाजिक और कल्चरल डेवलपमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। इनके अनुसार बालक में भाषा का विकास समाज द्वारा होता है और विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में। वाइगोत्स्की के अनुसार के अनुसार बालक भाषा दो रूपों में सीखता है, एक इनर लर्निंग जिसे निम्न स्तर का सीखना कहते हैं, एक्सटर्नल लर्निंग जिसे उच्च स्तर का सीखना कहते हैं। इनर लर्निंग या निम्न स्तर का सीखना वह होता है जो बालक के अपने भाव को वह अपनी वाणी द्वारा प्रकट करे, और उच्च स्तर का सीखना वह होता है किसी के सहायता से सीखे, उसे उच्च स्तर का सीखना या एक्सटर्नल लर्निंग कहा जाता है। भाषा यंत्र तीन प्रकार का होता है, जिसे एक अनुकरण करके सीखना, दूसरा निर्देशन द्वारा सीखना, तीसरा सहकारी द्वारा सीखना। आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वाइगोत्स्की का यह मानना है कि बालक में प्रारंभिक अवस्था में नैतिकता और सामाजिक विकास का अभाव होता है। फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि बालक को नैतिकता, जो मोरालिटी या सामाजिक जिसे सोशल कहा जाता है, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। बालक में सामाजिक और नैतिकता का ज्ञान जब वो विद्यालय जाता है तो वहां से आरंभ होता है, और सबसे ज्यादा सामाजिकता और नैतिकता का ज्ञान जब वो किशोर अवस्था में पहुंचता है तब होता है। और किशोरियों में सामाजिकता के गुण और दोष दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे किशोर और किशोरियां आपस में झगड़ते भी हैं। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह को समाज कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।